बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों आज जो हम लेक्चर से वर्ब के बारे में है कि वर्ब क्या है। सो दोस्तों वर्ब ये फोटोस्पीच के टाइप्स है और ये बहुत से इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है। सो कोई भी जुमला वर्ब के बगैर मुकम्मल नहीं हो सकता, याद रखना, कोई भी जुमला वर्ब के बगैर मुकम्मल नहीं हो सकता। तो आइए वर्ब की डिफिनेशन की तरफ, कि वर्ब की डिफिनेशन क्या है। सो वर्ब, ए वर्ड दैट शोज इन एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग इज कॉल्ड ए वर्ब। वो वर्ड जो हमें कोई एक्शन जाहिर करे या कोई स्टेट, कोई हालत जाहिर करे, उसको हम वर्ब कहलाते हैं। या ऐसा लफ्ज जो किसी काम के करने या होने को जाहिर करे, इसको हम वर्ब कहलाते हैं। ऐसा लफ्ज जो किसी काम को होने या करने को जाहिर करे, इसको हम वर्ब कहलाते हैं। आइए इसके कुछ कॉन्सेप्ट की तरफ। टू हैव अ कंप्लीट सेंटेंस मस्ट हैव अ वर्ब। किसी एक जुमला को मुकम्मल होने के लिए वर्ब जरूरी होंगे। किसी एक जुमला मुकम्मल होने के लिए वर्ब जरूर होंगे। विदाउट ए वर्ब वी कैन नॉट मेक अ सिंगल सेंटेंस। हम वर्ब की गैर मौजूदगी में सिंगल सेंटेंस भी नहीं बना सकते। हम वर्ब के बगैर किसी सिंगल सेंटेंस भी नहीं बना सकते। बहुत से इंपॉर्टेंट टू बात है। आई एग्जाम्पल की तरफ, कि वर्ब के एग्जाम्पल क्या है। Run, write, eat, catch, drink, clean, speak, swim, climb, bear, walk, read, go, get, learn, come, etc. वर्ब के बहुत से एग्जाम्पल हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने कुछ एग्जाम्पल नोट की है। तो ये बहुत से इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है आज के, ये ज़रूर याद करना होगा सब लोगों के लिए। आइए देखिए कुछ एग्जांपल को। रन, जब कोई बंदा रनिंग करते है, दौड़ता है, तो ये भी एक काम है। राइट, लिखना भी एक काम है। ईट, खाना खाना भी एक काम है। कैच, ड्रिंक, क्लीन, स्पीक, स्विम, ये तमाम जो एग्जांपल मैंने मेंशन किए, तो ये एक काम है, ये एक वर्ब है, मतलब यह है एक एक्शन है। ये असल में एक एक्शन है या स्टेट है। आइए इसकी कुछ एग्जांपल इन सेंटेंस में लिखते हो, ताकि आप सब लोग को अच्छी तरह समझ आ जाए कि सेंटेंस में वर्ब के पहचान कैसे होंगे। आइए एग्जांपल को देखे। फर्स्ट वन एग्जांपल है, शी राइट्स ए लेटर। यहाँ पे राइट्स एक काम है, एक एक्शन है, तो उसको हम वर्ब कहलाते हैं। आई एम ईटिंग एन एप्पल। यहाँ पे ईटिंग ये एक एक्शन है और स्टेट है, इसको हम वर्ब कहलाते हैं। ही सिंग्स ए सॉन्ग। यहाँ पे सिंगिंग एक स्टेट है, एक्शन है, इसको हम वर्ब कहलाते हैं। ही ड्राइव्स ए कार। ड्राइव्स यहाँ पे एक वर्ब है, एक स्टेट है, एक्शन है। ही इज लर्निंग इंग्लिश। लर्निंग यहाँ पे वर्ब है, मतलब यहाँ पे लर्निंग और ड्राइव, सेंग्स, ईटिंग, राइड्स, ये तमाम एक्शन है, एक स्टेट है, इसको हम वर्ब कहलाते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग को वीडियोस बहुत पसंद आए हो। ये थे आज के हमारे वीडियोस। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर जो होंगे वो वट इज़ ट्रांजिटिव एंड ट्रांजिटिव वर्ब, स्टेट वर्ब क्या है, मॉडल एक्सिलरी वर्ब क्या है, इन तमाम पर मैं बहुत डिटेल से वीडियो बनाऊंगा, ताकि आप सब लोग को अच्छी तरह समझ आ जाए। तो अगली वीडियो के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। बेस्ट ऑफ लक।